और एयर इंडिया के फ्लाइट में एक यात्री के खाने में ब्लेड मिला है। इस खबर के बाद एयर इंडिया ने भी अपनी गलती मान ली है। सवाल यह है कि अगर कुछ हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। एक मिनट में देखिए पूरी खबर। अगर आप भी फ्लाइट में खाना खाते हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है। एयर इंडिया की फ्लाइट से बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रहे एक यात्री को खाने में ब्लेड मिला है। यात्री ने दावा किया कि जब वो खाना खा रहा था उसी वक्त मुंह में एक मेटल का टुकड़ा जैसा महसूस हुआ। जब उसने निकाल कर देखा तो वो ब्लेड निकला। मैथुरस पॉल नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर इस घटना की डिटेल शेयर की है। पॉल ने लिखा है कि एयर इंडिया का खाना आपको चाकू की तरह काट सकता है। भुने हुए शकरकंद और अंजीर चाट में मिला धातु ब्लेड की तरह है। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं इसे खा रहा था। शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। पॉल ने लिखा है कि बेशक इसका दोष पूरी तरह से एयर इंडिया की कैटरिंग सेवा पर है, लेकिन इस घटना के बाद एयर इंडिया को लेकर मेरे अंदर जो छवि बनी उस पर असर नहीं पड़ने वाली है। लेकिन यदि ये खाना किसी बच्चे को दिया जाता तो क्या होता। वहीं एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि फ्लाइट में सवार पैसेंजर के खाने में कोई बाहरी चीज पाई गई है। जांच में मिला कि ये हमारे कैटरिंग पार्टनर के यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली वेजिटेबल प्रोसेसिंग मशीन से आया था। Z News.